हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटर आलू गोभी के पराठे और इसको हमने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो आप इस तरह ये पराठे एक बार ज़रूर अपने घर पर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। गोभी आलू और मटर के पराठे बनाने के लिए हमने ये आलू ले लिया है और गोभी इसको हमने बहुत छोटा छोटा काट लिया है और हमने इसमें गोभी कम रखी है, आलू ज्यादा रखा है। और ये देखिए, हमने उबला हुआ मटर लिया है, आप चाहे तो हरा मटर भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें पहले हम छौंक देंगे एक साथ। तो हम इसके लिए गैस पर कढ़ाई रखते हैं तेल डालकर। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये हमारा 2-3 चम्मच तेल है और ये गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच हमने जीरा डाल दिया। 2-3 हरी मिर्ची है उसको हम काट के डाल देंगे। 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हमारी पक चुकी है और इसमें हम सब्जी जो हमने काटी वो डाल देंगे। चलिए थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची हमने डाली हुई है इसलिए हम 1/2 चम्मच मिर्ची डालेंगे, आप चाहें तो कड़वा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 चम्मच नमक डालेंगे, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के हम इसको ढक देंगे। अब इसमें हम मटर भी डाल देंगे, मटर को हमने हाथ से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है। दोस्तों, मटर को हमने इसमें मैश किया है, नहीं तो हम पराठे जब बेलेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। हरा मटर होता है तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। अब चलिए इसको हम ढक देंगे। अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसको हम बहुत ही धीमी आंच में पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा रहे और ये गीला भी ना हो। तो चलिए एक बार बीच में इसको खोल के चेक कर लेते हैं। इसको एक बार फिर से ढक देंगे। तो चलिए इसको खोल के फिर से हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो ये सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें थोड़े से हम और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हम 1 चम्मच इसमें खटाई डाल देंगे। ये थोड़ा सा इसमें खट्टा आएगा तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसमें हम 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। ये सारी चीजें भी हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जियां हम बिल्कुल मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का तोड़ लेंगे। ये हमारी सब्जियां अच्छे से पक गई हूँ लेकिन एकदम मैश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा ये मटेरियल बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी हम कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। अब चलिए इसको हम ठंडा होने देते हैं मिला के। दोस्तों, ये हमने 3-4 कटोरी आटा ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 सॉफ्ट डो लगाएंगे। देखिए, हमारा आटा बढ़कर तैयार है और इसमें हमने थोड़ा सूखा आटा भी छोड़ दिया है। तो चलिए, अब हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो पहले हम एक छोटी सी लोई ले लेंगे। पाटा ले लेंगे बेलने वाला, हाथों से इसको दबा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। फिर हम इसको अंदर की तरफ दबा दबा के इसको भरने के लिए हम लोई तैयार करेंगे। दोस्तों, देखिए हमने इतना बड़ा इसमें कर लिया है। अब हम अपना मटेरियल ले लेंगे जो हमने बनाया है। वो मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे।
इसको हम बेल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको हल्का सा बढ़ा देंगे और बेल लेंगे। इसको बहुत धीरे हाथों से बेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सेक लेते हैं और गैस पे तावा रखते हैं। तो हम तावे में पहले थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। पराठे उसमें डाल देंगे। बहुत ही धीमी आंच में धीरे धीरे इसको पकाएंगे। अब इसको हम पलट देंगे। इसको धीमी धीमी आंच पे हम एकदम कुरकुरा भूनेंगे। इसको आप दबा दबा के जितना अच्छे से सेकेंगे उतना ही खाने में टेस्ट आएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा पराठा सेककर तैयार है। इसी तरह हम बाकी के सारे पराठे और सेकेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे मटर आलू गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर। थैंक यू।